बुधवार के दिन देवास जिले की बागली तहसील मुख्यालय पर खंड स्तरीय दिव्यांग शिविर का आयोजन बागली के उत्कृष्ट विद्यालय परिसर में किया गया। शिविर में खंड के 500 से अधिक दिव्यांग जनों का परीक्षण डॉक्टर द्वारा किया गया। ऐसा पहली बार हुआ जब दिव्यांग जनों को एक ही स्थान पर सभी सुविधाएं शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई। शिविर का शुभारंभ जनपद अध्यक्ष श्रीमती निर्मला कंठाली एवं ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष श्यामा तोमर के द्वारा किया गया। शिविर में सभी प्रकार के दिव्यांगों के लिए पृथक पृथक व्यवस्थाएं की गई थी। इस अवसर पर सभी अतिथियों द्वारा मंच पर दिव्यांगों का पुष्प माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। साथ ही सरकार द्वारा आयोजित शिविर के उद्देश्य से शिविर में आए सभी दिव्यांगों को अवगत कराया गया। बागली से रवि पाटीदार की रिपोर्ट। आज सामाजिक न्याय विभाग के तत्वाधान में बागली विकासखंड के अंदर विकासखंड स्तरीय दिव्यांग शिविर का आयोजन किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय के मार्गदर्शन में इस शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के मुख्य उद्देश्य यह है कि ऐसे दिव्यांग जिनके मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बने हुए हैं। यहाँ पर विकासखंड स्तरीय दिव्यांग शिविर आयोजित किया है। मध्य प्रदेश शासन ने पहली बार विकलांगों के लिए इतना अच्छा निर्णय लिया कि सबको विकासखंड स्तर पर ही प्रमाण पत्र दिए जाएंगे, उनको उनकी योग्यता अनुसार पेंशन और जिन उपकरणों की उनको आवश्यकता है वो सभी आज रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे और उसके बाद सभी को उपकरण भी दिए जाएंगे। पहले प्रमाण पत्र के लिए कहाँ जाना पड़ता था? पहले प्रमाण पत्र के लिए जिला स्तर पर इंदौर और अलग अलग जगह भटकना पड़ता था विकलांग के परिवार वालों को, विकलांगों के साथ में। पहली बार मध्य प्रदेश शासन के मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने विकलांगों के बारे में सोचा कि वो इधर उधर भटके नहीं और उनको व्यवस्थित सारे कागज बन जाए, उनको जो भी सरकार की योजना उनका फायदा मिले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्यामा तोमर है, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।